उत्तर प्रदेश की माओ में एक वक्त में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के नाम का सिक्का चलता था, लेकिन अब मुख्तार अंसारी पर कानून का डंडा चल चुका है। अब वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और बहुत जल्द मुख्तार अंसारी यूपी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्तार अंसारी व उसके गैंग की कमर तोड़ने और उस पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के पीछे आईपीएस अधिकारी अनुराग आर्य का हाथ है। बागपत के गांव चपरोली में जन्मे अनुराग आर्य के पिता का नाम डॉक्टर रमेश चंद आर्य है। अनुराग आर्य ने कक्षा पांचवी तक की पढ़ाई गांव में स्थित शिशु मंदिर में की थी। अनुराग आर्य ने बीएससी की और उनको बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। अनुराग स्कूल के वक्त में ही क्रिकेट व बास्केटबॉल खेलते थे और उन्होंने बास्केटबॉल में नेशनल लेवल तक खेला है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एमएससी की पढ़ाई के वक्त अनुराग साल 2012 में एसबीआई बैंक में मैनेजर के पद पर सिलेक्ट हुए। अनुराग आर्य ने कानपुर में आरबीआई की ब्रांच ऑफिस में 5 महीने काम किया। उसी दौरान अनुराग ने पहले प्रयास में ही सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और साल 2013 के बैच के आईपीएस अफसर बनकर अनुराग ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। साल 2014 में अनुराग ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद चले गए थे। उसके बाद आईपीएस अनुराग आर्य की तैनाती ट्रेनिंग अफसर के तौर पर 2015 में गाजियाबाद में हुई थी। अनुराग की गिनती उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार अफसरों में होती है। माऊ के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने का श्रेय आईपीएस अधिकारी अनुराग को ही जाता है। अनुराग ने साल 2019 में माऊ की कमान संभाली थी, जिसके बाद से अनुराग ने न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उस गैंग के लगभग सभी सदस्यों को भी घुटने पर लाने का काम किया है। अनुराग की अगुवाई में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के किलर गैंग का एक तरह से सफाया कर दिया है। असलहों के लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई के साथ गुंडा एक्ट भी लगा दिया। इसके साथ ही पुलिस ने माऊ के मुख्तार अंसारी के नजदीकियों की करोड़ों की चल अचल संपत्ति जब्त की। इसके अलावा पुलिस ने मुख्तार अंसारी के मछली कारोबार को भी तहस नहस कर दिया। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आना चाहता था, लेकिन योगी सरकार की कोशिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जल्द यूपी की जेल में शिफ्ट होने का आदेश दे दिया है। न्यूज़ डेस्क।